हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं आप लोगों के लिए मलाई के लड्डू बना के दिखाऊंगी। 1 लीटर दूध लिया है और ये आधा लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध का हम छेना बनाएंगे और आधा लीटर दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। नींबू का रस लिया है और मैंने 4 चम्मच चीनी ली है। सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए मैंने उसे गैस पर रख दिया है। दूध में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसे हम आराम से धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक कि पानी दूध से अलग नहीं हो जाता। छेना बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इसके बाद हम इसे कपड़े में छान लेंगे। छेना बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, और अब हम इसे कम से कम 5 मिनट तक हाथों से अच्छी तरह से मुलायम हो जाए तब तक मसलेंगे। देखिए, अब ये मैंने 5 मिनट तक इसकी मलाई की है और ये तैयार हो चुका है। बचे हुए दूध को दोस्तों मैंने गैस पे रख दिया है और अब इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे, और जब तक ये गाढ़ा मतलब रबड़ी की तरह नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। दूध में उबाल आ चुका है और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, और चीनी डालने के बाद हमें इसको काफ़ी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। और सबसे पहली बात यह है कि हमें इस रेसिपी को स्लो गैस पर पकाना है, और जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे हम ऐसे ही चलाते हुए धीरे धीरे पकाते रहेंगे। रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों, और अब इसमें हम छेना डाल देते हैं। और छेना को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं धीरे धीरे, और इस तरह से हम इसे धीरे धीरे पकाते रहेंगे जब तक बिल्कुल ये गाढ़ा नहीं हो जाता। देखिए, अब ये छेने का हलवा बन के तैयार हो चुका है, और अब जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देता तब तक इसको हम और चलाएंगे थोड़ी देर, और इसके बाद अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ, और फिर इसके बाद इसे मैं ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। छेना ठंडा हो चुका है और अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, और हम थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और हाथ से घुमा के गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा एक लड्डू बन चुका है, अब मैं दूसरा बना के दिखाऊंगी आपको। देखते रहिएगा आप लोग, दूसरा लड्डू भी बन चुका है। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेते हैं। लड्डू बनकर खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।